दोस्तों, शाहिद खान अफरीदी के बयान के बाद शाहीन शाह अफरीदी का बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने क्या कहा अपनी शादी के हवाले से, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बताता चलूं कि शाहिद अफरीदी ने कहा, शाहीन्स फैमिली अप्रोच्ड माय फैमिली फॉर माय डॉटर, बोथ फैमिलीज आर इन टच, मैचेस आर मेड इन हेवन, इफ अल्लाह विल्स दिस मैच विल बी मेड टू, माय प्रेयर्स आर विद शाहीन फॉर हिज कंटिन्यूड सक्सेस ऑन एंड ऑफ द रोड। शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि शाहीन खान अफरीदी की फैमिली हमारे पास रिश्ते के लिए आए, यहाँ हम दोनों फैमिलीज ने मिलकर ये फैसला लिया और ये रिश्ता कन्फर्म हो चुका है, यानी तय पा चुका है, क्योंकि रिश्ता अल्लाह ताला के यहाँ ऊपर बनते हैं, इसलिए अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये रिश्ता भी इंशाल्लाह ज़रूर मजबूत बनेगा। साथ उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं शाहीन अफरीदी के साथ हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी, यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह उन्हें कामयाब करे। शाहिद अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी को दुआ दी और साथ ही उसके कुछ देर बाद में ही शाहीन शाह अफरीदी का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स लाला फॉर योर प्रेयर्स, मे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेक थिंग्स ईजियर फॉर एवरीवन, यू आर दी प्राइड ऑफ इंटायर नेशन। क्या खूबसूरत बात लिखी शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा और शाहिद खान अफरीदी लाला का, जिन्होंने मेरे लिए दुआएँ की, अल्लाह हम तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। यकीनन क्या खूबसूरत बात लिखी शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ट्वीट के आखिरी हिस्से में, यू आर दी प्राइड ऑफ द इंटायर नेशन, आप पूरे मुल्क का फ़ख्र हैं। ये लाइन इन्होंने लाला यानी शाहिद खान अफरीदी के लिए लिखी और इस पे किसी को 1% भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी सच में पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिलेटेड अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आप हमारी किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।